गोपालगंज में जटिल से जटिल बीमारियों का पहले चरण में पहचान एवं उपचार करने के लिए शहर के मठिया रोड स्थित डॉक्टर रंजन डायग्नोस्टिक एवं रिसर्च सेंटर का फ्रेंचाइजी सेंटर का उद्घाटन शनिवार को किया गया। डॉक्टर प्रभात रंजन ने इसका उद्घाटन किया। डॉक्टर प्रभात रंजन ने बताया कि संस्थान के द्वारा कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की जाँच सही समय पर कम खर्च में प्रदान कर मानव सेवा की दिशा में एक अहम पहल करने का प्रयास किया गया है। संस्था अपनी सेवा के दायरे को बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है ताकि सूबे के सभी मरीजों को बेहतर सेवा का लाभ दिया जा सके। गौरतलब हो कि प्रभात रंजन PGI चंडीगढ़ से MD पैथोलॉजिस्ट हैं। वहीं डॉक्टर प्रभात रंजन कोरोना को लेकर लोगों में सतर्क रहने की सलाह दी है। डॉक्टर ने कहा कि अभी कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, अगर हम कोरोना को गाइडलाइन पालन नहीं किए तो बीमारी बढ़ सकती है, इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट गोपालगंज। प्रभात रंजन डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर पटना में कंकड़बाग में स्थित है, जो 2011 से 24 घंटे सर्विस देता है। यह बिहार का सबसे एडवांस मेडिकल पैथोलॉजी सिस्टम है। हर तरह की मॉलिकुलर से लेकर सामान्य जांच की होती है। सबसे बड़ी व्यवस्था हमारे यहाँ यह है कि 24 घंटे काम करता है। सो हमारे यहाँ टेस्टिंग से लेकर कलेक्शन का सिस्टम 24 घंटे काम करता है। इससे पेशेंट का जो टर्नओवर टाइम बोलते हैं, जो रिपोर्ट्स मिलने में देरी होती है लोगों को, वो घट जाता है। जैसे जो सैंपल्स दिल्ली बम्बे बाहर जाते हैं, उससे पेशेंट को सबसे बड़ा नुकसान होता है क्या कि उनका रिपोर्ट जब तक आता है 3 से 4 दिन डिले होके, तब तक उनकी बीमारी का स्टेज बदल चुका होता है और जो रिपोर्ट रहता है वो पहले के सैंपल का रहता है। तो डॉक्टर्स को भी एग्जैक्ट पिक्चर नहीं मिल पाता है, कोरिलेशन नहीं होता है। जब 4th दिन वो रिपोर्ट के साथ पेशेंट को देखते हैं तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस रहता है। तो हमारे यहाँ सुविधा क्या है, जैसे गोपालगंज से सैंपल शाम में जाएगा और रात में वहाँ टेस्ट होगा और अगले दिन सुबह में यहाँ 10 बजे ऑनलाइन रिपोर्ट्स अवेलेबल रहेंगे। मोस्ट ऑफ़ दी टेस्ट जो रात के 6 से 8 घंटे के बीच के टाइम के होते हैं, तो ये सारे पेशेंट्स को रिपोर्ट्स पहले 3 से 4 दिन में मिलते थे और अब उनको 24 घंटे के अंदर में मिलेगा। तो इससे उनका टाइम और इलाज में दोनों में सुविधा होगा और सबसे बड़ी बात है कि कॉस्ट भी बचेगा। जो सैंपल बाहर जाता है वो ज़्यादा कॉस्टली होता है, हम लोगों ने काफ़ी प्राइस को भी बिहार के हिसाब से रखा है लोगों को। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो है, यहाँ पे डेवलपमेंट में कोई भी प्राइवेट कंपनी जो पैथोलॉजी का काम कर रही है आपके नेशनल, उसने बिहार में कभी भी पैथोलॉजी के डेवलपमेंट का बात नहीं किया। कोई भी यहाँ पे वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा सा क्रिएट नहीं किया, बड़ा सा लैब या मॉलिकुलर लैब इस्टेब्लिश नहीं किया। तो हम लोगों ने यहाँ मॉलिकुलर लैब से लेकर सब कुछ किया है और उससे यहाँ रोज़गार भी पनपा है। जैसे ये सेंटर अब यहाँ पे गोपालगंज में खुल रहा है तो 4 लोगों को इसके माध्यम से रोज़गार भी मिल रहा है अपने लोगों को। सुबह 8 बजे से लेकर रात 8-9 बजे तक कलेक्शन की सुविधा रहेगी और सेम डे यहाँ से पेशेंट के सैंपल पटना पहुँचेंगे और नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो 10 बजे अपना रिपोर्ट्स यहाँ पर कलेक्ट कर सकते हैं। ये जस्ट सदर अस्पताल के गेट के सामने में हमारा सेंटर खुला है।